Shut up and sit down. Hello students, welcome to day 52 of English sentence structure videos. In this video, we will be learning how to make sentences using you are supposed to plus verb. अब देखिए, आप day 52 में आ चुके हैं. जो student day 1 से पूरा day 52 तक आया है, अभी तक वो English पूरी तरह से समझने लगा है, ठीक है. और जो स्टूडेंट साथ साथ सेंटेंस भी बना रहे हैं, उनकी अंग्रेजी काफी अच्छी हो भी चुकी है अभी तक, ठीक है. टोटल 89 डेज तक का ये वीडियोस है, तो बैक टू बैक देखिए. प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा तो आपको और भी काफी सारे टॉपिक्स पे वीडियो मिलेगा, सब देखिए और पढ़िए सीखिए. अब देखिए, यू आर सपोज टू, इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये करना चाहिए. यू आर नॉट सपोज टू, आपको ये नहीं करना चाहिए. आर यू सपोज टू, क्या आपको ये करना चाहिए. Aren't you supposed to, क्या आपको ये नहीं करना चाहिए. अब ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है जी. तो इससे पहले कि हम लोग सेंटेंसेस पे जाएं, हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग टेंस पढ़ेंगे. टेंस, अब देखिए यहां पे क्या है, यू आर से है. यू आर सपोज्ड टू, ठीक है, आपको यह करना चाहिए. यू आर नॉट सपोज्ड टू, आपको यह नहीं करना चाहिए. आर यू सपोज्ड टू, क्या आपको यह करना चाहिए. आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है आंट. Aren't you supposed to, क्या आपको यह नहीं करना चाहिए, ठीक है. अब देखिए, यू से तो हम लोग बना लिए, अब हम लोग बनाएंगे आई से. प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं अभी. आई एम सपोज टू, मुझे यह करना चाहिए. ही इज सपोज टू, उसे यह करना चाहिए. शी इज सपोज टू, उसे यह करना चाहिए. इट इज सपोज टू, इसे यह करना चाहिए. पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस समझेंगे, फिर सेंटेंस क्रिएशन करेंगे, ठीक है. आप भी साथ साथ सोचिए कि सपोज टू के साथ आप कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, क्या क्या क्रिएशन कर सकते हैं. अभी उदाहरण देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल सेंटेंसेस है तो आपको समझ में आएगा. तो पहले अच्छे से पढ़िए. आई, ही, शी, इट, यू हो गया. वी, we are supposed to, they are supposed to, ठीक है. अब देखिए नेगेटिव, I am not supposed to, मुझे नहीं करना चाहिए. he is not सपोज टू, उसे यह नहीं करना चाहिए. शी इज नॉट सपोज टू, उसे यह नहीं करना चाहिए. ही में कोई लड़का है, शी में कोई लड़की. इट इज नॉट सपोज टू, इसे यह नहीं करना चाहिए. वी आर नॉट सपोज टू, हमें यह नहीं करना चाहिए. दे आर नॉट सपोज टू, उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है. अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे. एम आई सपोज टू, क्या मुझे करना चाहिए. इज ही सपोज टू, क्या उसे करना चाहिए. इज शी सपोज टू, क्या उसे करना चाहिए. इज इट सपोज टू, क्या इसे करना चाहिए. आर वी सपोज टू, क्या हमें करना चाहिए. आर दे सपोज टू, क्या उन्हें करना चाहिए.
negative. Am I not supposed to? अब देखिए यहां not लगा है तो डी फॉर्म हट जाएगा, ठीक है. Is he not supposed to? Is she not supposed to? क्या उसे नहीं करना चाहिए? Is it not supposed to? क्या इसे नहीं करना चाहिए? Are we not, जैसे देखिए is he she not या isn't she कर सकते हैं. Are we not supposed to, क्या हमें नहीं करना चाहिए. अब देखिए हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं, aren't they supposed to, क्या उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो ये तो आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया, हम लोग इसको अलग अलग टेंस में देखेंगे और फिर हम लोग एग्जाम्पल सेंटेंसेस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपके लिए. अब देखिए यू वर सपोज टू, आपको यह करना चाहिए था. आई वॉज सपोज टू, मुझे यह करना चाहिए था. ही वॉज सपोज टू, उसे यह करना चाहिए था. शी वॉज सपोज टू, उसे यह करना चाहिए था. इट वॉज सपोज टू, इसे यह करना चाहिए था. यू वर सपोज टू, आपको यह करना चाहिए था. दे वर सपोज टू, उन्हें यह करना चाहिए था. देन नेगेटिव, यू वर नॉट सपोज टू, आपको यह नहीं करना चाहिए था. आई एम, आई वॉज नॉट सपोज टू, मुझे यह नहीं करना चाहिए था. आप देखिए यहां पे नॉट लगा है तो ये डी हटा देंगे हम लोग, ठीक है. याद रखिएगा जब नॉट लगेगा तो वर्ब अपना नॉर्मल फॉर्म में रहेगा, ठीक है. ही वॉज नॉट सपोज टू, उसे यह नहीं करना चाहिए. शी वॉज नॉट सपोज टू, उसे यह नहीं करना चाहिए. इट वॉज नॉट सपोज टू, इसे यह नहीं करना चाहिए. यू वर नॉट सपोज टू, आपको यह नहीं करना चाहिए. दे वर नॉट सपोज टू, उन्हें यह नहीं करना चाहिए. पॉजिटिव क्वेश्चन, यू के संग वर लगता है. वर यू सपोज टू, क्या आपको यह करना चाहिए था. वॉज आई सपोज टू, क्या मुझे यह करना चाहिए था. वॉज ही सपोज टू, क्या उसे यह करना चाहिए था. वॉज शी सपोज टू, क्या उसे यह करना चाहिए था. Was it supposed to, क्या इसे यह करना चाहिए था. Were we supposed to, क्या हमें यह करना चाहिए था. Were they supposed to, क्या उन्हें यह करना चाहिए था. Negative, was, then, weren't, क्योंकि यहां you है तो weren't you supposed to, क्या आपको यह नहीं करना चाहिए था. Wasn't I supposed to, क्या मुझे यह नहीं करना चाहिए था. Wasn't he supposed to, क्या इसे यह नहीं करना चाहिए था. Wasn't she supposed to, क्या इसे यह नहीं करना चाहिए था. Wasn't it supposed to, क्या इसे यह नहीं करना चाहिए था. Weren't we supposed to, क्या हमें यह नहीं करना चाहिए था. Weren't they supposed to, क्या उन्हें यह नहीं करना चाहिए था, ठीक है. अब इसी का हम लोग फ्यूचर देखेंगे. तो देखिए थोड़ा बहुत ही चेंज होता है. जो लोग डे वन से कर रहे हैं वीडियोज उनको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अभी तक, और जो लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं आशा करूंगा ये वीडियो देखने के बाद वो डे वन से वीडियो देखेंगे ताकि वो अच्छे से इंग्लिश सीख पाए. नाउ यू विल बी सपोज टू, आपको आप ये करेंगे या आपको ये करना चाहिए होगा. आई विल बी सपोज टू, मुझे ये करना होगा. ही विल बी सपोज टू, इसे यह करना चाहिए होगा. यू विल बी सपोज टू, शी विल बी सपोज टू, इसे यह करना चाहिए होगा. इट विल बी सपोज टू, इसे यह करना चाहिए होगा. वी विल बी सपोज टू, हमें यह करना चाहिए होगा. दे विल बी सपोज टू, उन्हें यह करना चाहिए होगा. लाइक दे विल बी सपोज टू हेल्प मी, उन्हें मेरी मदद करनी होगी, ठीक है. उस तरह से यू विल नॉट बी सपोज टू, आई विल नॉट बी सपोज टू, ही विल नॉट बी सपोज टू, शी विल नॉट बी सपोज टू, इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन होता है. It will not be supposed to, we will not be supposed to, they will not be supposed to, ठीक है. Okay, next देखते हैं. Positive question, in future, will you be supposed to, will I be supposed to, will he be supposed to,
Will she be supposed to? Will it be supposed to? Will we be supposed to? Will they be supposed to? Okay. Now, negative. Won't you be supposed to? Won't I be supposed to? Won't he be supposed to? Won't, will not ka short form hota hai, won't. Won't she be supposed to? Won't it be supposed to? Won't we be supposed to? Won't they be supposed to? ठीक है, अब देखिए ये तो आपका present tense, past tense और future tense आप देखें। अब हम लोग इसका थोड़ा examples देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे supposed to से हम लोग sentence बनाते हैं। You are is a contraction of the words you are. You apostrophe re, ये क्या है? You are का short form है, contraction means short form. When using you are with words supposed to, you are making a suggestion that something you strongly believe out to happen. जब आप you are के साथ supposed to का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ है, ठीक है, आप एक suggestion दे रहे हैं कि आप किसी चीज पे विश्वास रखते हैं कि यह करना चाहिए। Here are some example. अब उदाहरण देखिए तो आपका concept पूरा clear हो जाएगा। You are supposed to keep that secret. Secret मतलब रहस्य, आपको वह रहस्य रखना चाहिए। You are not supposed to keep that secret. आपको वह रहस्य नहीं रखना चाहिए। Are you supposed to keep that secret? क्या आपको वह रहस्य रखना चाहिए? Aren't you supposed to keep that secret? क्या आपको वह रहस्य नहीं रखना चाहिए? You are supposed to be my friend. आपको मेरा दोस्त होना चाहिए। You are not supposed to be my friend. आपको मेरा दोस्त नहीं होना चाहिए। Are you supposed to be my friend? क्या आपको मेरा दोस्त होना चाहिए? Aren't you supposed to be my friend? क्या आपको मेरा दोस्त नहीं होना चाहिए? You are supposed to say you are fine. आपको कहना चाहिए कि आप ठीक हैं। You are not supposed to say you are fine. आपको कहना नहीं चाहिए कि आप ठीक हैं। Are you supposed to say you are fine? क्या आपको कहना चाहिए कि आप ठीक हैं? Aren't you supposed to say you are fine? क्या आपको नहीं कहना चाहिए कि आप ठीक हैं? You are supposed to stop when at a red light. लाल रोशनी पर आपको रोकना चाहिए या होगा। You are not supposed to stop when at a red light. लाल रोशनी पर आपको नहीं रोकना होगा या नहीं रोकना चाहिए। Are you supposed to stop at when a red light? क्या लाल रोशनी पर आपको रोकना होगा? Aren't you supposed to stop when at a red light? क्या लाल रोशनी पर आपको रोकना नहीं चाहिए या नहीं होगा? You are supposed to be dead. आप मरने वाले हैं। You are not supposed to be dead. आप मरने वाले नहीं हैं। Are you supposed to be dead? क्या आप मरने वाले हैं? Aren't you supposed to be dead? क्या आप मरने वाले नहीं हैं? You are supposed to unpack once you get there. एक बार वहां पहुंचने के बाद आपको खोलना होगा। अब देखिए क्या खोल रहे हैं? अनपैक मतलब आपका कोई लगेज है, आप कहीं गए हैं तो आप अनपैकिंग कर रहे हैं, सब सामान निकाल रहे हैं। यू आर नॉट सपोज टू अनपैक वंस यू गेट देयर। एक बार वहां पहुंचने के बाद आपको खोलना नहीं होगा। आर यू सपोज टू अनपैक वंस यू गेट देयर। क्या एक बार वहां पहुंचने के बाद आपको खोलना होगा? आरंट यू सपोज टू पैक अनपैक वंस यू गेट देयर। क्या आपको एक बार वहां पहुंचने के बाद खोलना नहीं होगा? You are supposed to be feeling good. आपको अच्छा महसूस होना होगा या होना चाहिए। You are not supposed to be feeling good. आपको अच्छा महसूस होना नहीं चाहिए। Are you supposed to be feeling good? क्या आपको अच्छा महसूस होना चाहिए? Aren't you supposed to be feeling good? क्या आपको अच्छा महसूस नहीं होना चाहिए? You are supposed to ask. आपको पूछना चाहिए। You are not supposed to ask. आपको नहीं पूछना चाहिए। Are you supposed to ask? क्या आपको पूछना चाहिए? Aren't you supposed to ask? क्या आपको पूछना नहीं चाहिए? अब देखिए आगे और sentences है। अब आप सोचते जाइए आप कैसे sentence बना पाएंगे। ये देखिए आपको बहुत सारा example यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस पर आपको sentence बनाना है। You are supposed to remain calm. आपको शांत रहना चाहिए। काम, शांत। You are not supposed to remain calm. आपको शांत नहीं रहना चाहिए। आर यू सपोज टू रिमेन काम? क्या आपको शांत रहना चाहिए? आर यू सपोज टू रिमेन काम? क्या आपको शांत नहीं रहना चाहिए? यू आर सपोज टू टेल योर ड्रीम्स। आपको अपने सपनों को बताना होगा या बताना चाहिए।
You are not supposed to tell your dreams. आपको अपने सपनों को नहीं बताना चाहिए. Are you supposed to tell your dreams? क्या आपको अपने सपनों को बताना चाहिए? Aren't you supposed to tell your dreams? क्या आपको अपने सपनों को नहीं बताना चाहिए? You are supposed to come today. आपको आज आना चाहिए. You are not supposed to come today. आपको आज नहीं आना चाहिए. Are you supposed to come today? क्या आपको आज आना चाहिए? Aren't you supposed to come today? क्या आपको आज नहीं आना चाहिए? You are supposed to invite all your friends. आपको अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करना है या करना चाहिए. You are not supposed to invite all your friends. आपको अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित नहीं करना है. Are you supposed to invite all your friends? क्या आपको अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित करना है? Aren't you supposed to invite all your friends? क्या आपको अपने सभी दोस्तों को आमंत्रित नहीं करना है? You are supposed to call me. आपको मुझे फोन करना है. You are not supposed to call me. आपको मुझे फोन नहीं करना है. Are you supposed to call me? क्या आपको मुझे फोन करना है? Aren't you supposed to call me? क्या आपको मुझे फोन नहीं करना है? You are supposed to encourage one another. आपको एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है. Encourage, प्रोत्साहित करना. One another, एक दूसरे. You are not supposed to encourage one another. आपको एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करना है. Are you supposed to encourage one another? क्या आपको एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है? Aren't you supposed to encourage one another? क्या आपको एक दूसरे को प्रोत्साहित नहीं करना है? You are supposed to do this for me. आपको यह मेरे लिए करना है. You are not supposed to do this for me. आपको यह मेरे लिए नहीं करना है. Are you supposed to do this for me? क्या आपको यह मेरे लिए करना है? Aren't you supposed to do this for me? क्या आपको यह मेरे लिए नहीं करना है? You are supposed to decide before next Thursday. आपको अगले गुरुवार से पहले फैसला करना होगा. You are not supposed to decide before next Thursday. आपको अगले गुरुवार से पहले फैसला नहीं करना होगा. Are you supposed to decide before next Thursday? क्या आपको अगले गुरुवार से पहले फैसला करना होगा? Aren't you supposed to decide before next Thursday? क्या आपको अगले गुरुवार से पहले फैसला नहीं करना होगा? You are supposed to love your job. आपको अपना काम से प्यार करना चाहिए. You are not supposed to love your job. आपको अपना काम से प्यार नहीं करना चाहिए. Are you supposed to love your job? क्या आपको अपना काम से प्यार करना चाहिए? Aren't you supposed to love your job? क्या आपको अपने काम से प्यार नहीं करना चाहिए? You are supposed to love your family. आपको अपने परिवार से प्यार करना चाहिए. You are not supposed to love your family. आपको अपने परिवार से प्यार नहीं करना चाहिए. Are you supposed to love your family? क्या आपको अपने परिवार से प्यार करना चाहिए? Aren't you supposed to love your family? क्या आपको अपने परिवार से प्यार नहीं करना चाहिए? तो अब यहाँ पे आपको सोचना है आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए. तो देखिए, घर में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बाजार में, मार्केट, शॉपिंग, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, मूवी हॉल, मॉल, प्लेग्राउंड, एक्सरसाइज, ट्रैवलिंग, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन शॉप, ये सब जगह पर आप ध्यान से सोचिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए होगा, क्या क्या नहीं करना चाहिए होगा. ठीक है. और विद द हेल्प ऑफ द सेंटेंसेज गिवन हियर, यहाँ जो सेंटेंसेज आपको दिए गए हैं इसका मदद लेके आप सेंटेंसेज बनाइए, गलत सही जो भी आपके मन में आए, विद द हेल्प ऑफ सपोज टू. ठीक है, यहाँ पे जो भी है, यू, आई, ही, शी, इट, वी, दे, सबके साथ हर एक टेंस में नेगेटिव, पॉजिटिव सब बनाइए. अगर आप सेंटेंस गलत भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, मैं उसको सही कर दूंगा तो आप समझ पाएंगे. याद रखिएगा, जब तक आप सेंटेंसेज नहीं बनाएंगे तब तक आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे. साथ ही साथ हमारे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग शेयर कीजिए ताकि वह भी अंग्रेजी सीख पाएं और हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद कीजिए. धन्यवाद.